Now next one, difference between static memory allocation, dynamic memory allocation. Static memory allocation just मैं represent करूँगा SMA as a shortcut, SMA. Dynamic memory allocation represent करेंगे as a DMA as a shortcut. Clear? First difference, static memory allocation के केस में size information compile time पर decide होता है, जबकि actual memory allocation run time पर perform होता है. Same as dynamic memory allocation के केस में size information भी run time पर decide हो रहा है, plus actual memory allocation भी run time पर परफॉर्म हो रहा है. इसे एलोकेशन भी रन टाइमर प्लस एलोकेशन साइज का फिक्स हुआ है एट रन टाइम इन केस ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में साइज इंफॉर्मेशन डिसाइड करने के लिए रिस्पांसिबल कौन होता है? ऑलवेज कंपाइलर बेस्ड ऑन डेटा टाइप इंफॉर्मेशन. सिमिलरली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के केस में एलोकेशन इंफॉर्मेशन डिसाइड करने के लिए रिस्पांसिबल कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. प्लस एक्चुअली एलोकेशन कौन परफॉर्म कर रहा है? आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन इस केस में size information provide कौन करता है? Just user in the form of argument to the malloc or calloc like that. जबकि static memory allocation के केस में size information just data type के basis पर decide होता है. Clear? Next one, static memory allocation के केस में allocation information store होता है in the form of symbol table during compilation or as a part of compile code. मीन्स स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन केस में साइज इन्फॉर्मेशन कंपाइल टाइम पर फिक्स हो रहा है, प्लस स्टोर की स्पेस हुआ था इनसाइड सिंबल टेबल. और सिंबल टेबल किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ कंपाइल कोड. जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन केस में साइज इन्फॉर्मेशन रन टाइम पर डिसाइड हो रहा है, प्लस साइज इन्फॉर्मेशन स्टोर किस फॉर्म हुआ था? इन द फॉर्म ऑफ हैश टेबल. जिस तरह से कंपाइलर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सिंबल टेबल यूज करता है, सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ऑलवेज यूज किया करता है सम स्पेशल टेबल कॉल्ड एज हैश टेबल. प्लस हैश टेबल के अंदर एलोकेशन इंफॉर्मेशन किस प्लेस का स्टोर होता है? इन साइड हीप एरिया. मीन्स हीप एरिया के अंदर कौन सा ब्लॉक एलोकेटेड है, कौन सा अनएलोकेटेड है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किस प्लेस पर होता है? इन साइड हैश टेबल. हैश टेबल के अंदर ओनली रिजर्व्ड प्लेस का स्पेस मेंटेन, रिजर्व्ड प्लेस का इंफॉर्मेशन मेंटेन होता है, रिमेनिंग प्लेस कंसीडर होता है एज अनरिजर्व्ड. क्लियर? प्लस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में एलोकेशन स्टैक के अंदर भी पॉसिबल और डेटा एरिया के अंदर भी पॉसिबल और सीपीयू रजिस्टर्स के फॉर्म में भी पॉसिबल है. लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में एलोकेशन परफॉर्म होता है ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ हीप मेमोरी. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कभी मैनुअली एलोकेशन और डी एलोकेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं. जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में जस्ट मेमोरी एलोकेट कब होता है? व्हेनेवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल कम्स इनसाइड ब्लॉक. सपोज दैट आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है S1, S2 अप टू S100, देन क्लोजिंग. अगर आपने बिगिनिंग में कोई एलोकेशन परफॉर्म कराया लाइक दैट, इस केस में ए के लिए एलोकेशन का वो व्हेनेवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल कम्स इनसाइड ब्लॉक. सेम एज ए के केस में डी एलोकेशन का होता है जब कंट्रोल ब्लॉक से बाहर सेंड होगा. सपोज दैट अगर आपको वेरिएबल ए का इन्फॉर्मेशन ओनली अप टू स्टेटमेंट 10 तक रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी रिमेनिंग स्टेटमेंट भी पार्ट कैसा रहेगा? रिमेन्स रिजर्व्ड. इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपके रिक्वायरमेंट एक बार फिनिश होते उसके बाद मैनुअली इस केस में डी एलोकेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं. जबकि सेम केस में अगर सेम मेमोरी एलोकेशन अगर आपने डायनेमिकली परफॉर्म कराया आइदर यूजिंग मैलॉक कैलॉक और ईएलॉक. सपोज दैट इस केस में मैलॉक के थ्रू 2 बाइट्स एलोकेट हुए, प्लस एड्रेस केस में इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स. मीन्स इस केस में अगेन 2 बाइट्स एलोकेट हुआ. फर्स्ट केस में कितने बाइट्स एलोकेट हुए थे? जस्ट 2 बाइट्स. इस केस में डी एलोकेशन एट एनी टाइम परफॉर्म करना पॉसिबल. सपोज दैट अगर मेमोरी स्पेस आपको ओनली स्टेटमेंट 10 तक ही रिक्वायर्ड है, इसके जस्ट बाद इमीडिएटली आप कॉल क्या कर सकते हो? फ्री फंक्शन. मीन्स फ्री फंक्शन के थ्रू रिजर्व्ड प्लेस एनी टाइम डी एलोकेट करना पॉसिबल है. क्लियर? सेम है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में रन टाइम पर कभी भी साइज इन्फॉर्मेशन चेंज करना पॉसिबल. एक बार मेमोरी एलोकेट हो गया देन इस ब्लॉक को ना ही इंक्रीज करना पॉसिबल हो ना ही डिक्रीज करना पॉसिबल. जैसे एक के रिस्पेक्ट में जस्ट बाइट कितने एलोकेट हो? 2 बाइट्स. इसको ना ही इंक्रीज कराना पॉसिबल ना ही डिक्रीज. जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में मैनुअली ब्लॉक साइज इंक्रीज कराना भी पॉसिबल है, सेम एज डिक्रीज करना भी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रियलॉक फंक्शन. क्लियर? सब कुछ मैं डेप्थ में डिस्कस करूंगा. वन मोर डिफरेंस क्या बताया था मैंने आपको रिसेंटली, मीन्स अगर आपने इस केस में प्रोवाइड किया इंटीजर एक्स और समथिंग फ्लोट
एक्स। इसके इसमें टोटल बाइट्स कितने हैं लोगों ने 4 बाइट। इस प्लेस पर आपके लिए एट एनी टाइम ओनली सिंगल वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल है। वैल्यू आपके लिए कैरेक्टर के फॉर्म में भी असाइन कर सकते हैं, फ्लोट के अंदर कैरेक्टर भी असाइन करना पॉसिबल है, बट ओनली सिंगल कैरेक्टर। जबकि आपको पता होना चाहिए 4 बाइट्स है लोगों के, फिर भी कैरेक्टर्स कितने स्टोर करना पॉसिबल, ओनली सिंगल कैरेक्टर। सेम एज सेम प्लेस पर इंटीजर भी असाइन करना पॉसिबल बट ओनली सिंगल इंटीजर। सेम एज फ्लोट वैल्यू भी असाइन करना पॉसिबल ओनली सिंगल फ्लोट। लेकिन सेम केस अगर आपने मैलॉक के थ्रू एलोकेट कराया लाइक दैट, मैलॉक प्लस बाइट्स कितने एलोकेट कराए जस्ट 4 बाइट, तो इसके इसमें सेम 4 बाइट्स में डिफरेंट डिफरेंट मीन्स आपके लिए कितने कैरेक्टर्स मैनेज करना पॉसिबल। प्रीवियस केस में एक्स सिंगल वैल्यू है लेकिन एक्स के पास बाइट्स कितने 4 बाइट्स, एक्स के अंदर ओनली सिंगल वैल्यू एट ए टाइम मैनेज करना पॉसिबल, मे बी कैरेक्टर मे बी इंटीजर मे बी फ्लोट। लेकिन मैलॉक के केस में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन केस में इस सिंगल प्लेस पर मिस एलोकेशन कितने बाइट्स का हुआ 4 बाइट्स का, तो इस प्लेस पर एलोकेशन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। इस 4 बाइट का सिंपली एक ब्लॉक क्रिएट होगा और इस ब्लॉक के अंदर आपके लिए 4 डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स भी स्टोर कराना पॉसिबल लाइक दैट। जैसे मैंने इस केस में कैरेक्टर असाइन कराया P0, इसे फर्स्ट ब्लॉक में या फर्स्ट बाइट में असाइन हुआ जस्ट ही, सेम एज P1 इक्वल्स टू B, सेम एज कैरेक्टर सी कैरेक्टर डी एंड सो ऑन, मीन्स इंडेक्स 2 इंडेक्स 3। फाइनली इस प्लेस पर असाइन कर B C D, मीन्स प्रीवियस केस में अगर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो मीन्स 4 बाइट्स के अंदर ओनली सिंगल कैरेक्टर मैनेज करना पॉसिबल, सिंगल इंटीजर मैनेज करना पॉसिबल। लेकिन इस केस में जस्ट आपके पास मीन्स 4 डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मैनेज करना पॉसिबल, मीन्स एक पर्टिकुलर बाइट को भी इंडिविजुअली एक्सेस करना यूज करना पॉसिबल है बेस्ड ऑन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सेम है सेम प्लेस पर प्रीवियस केस में एक्स के केस में बात करें एट एनी टाइम ओनली सिंगल इंटीजर स्टोर कराना पॉसिबल, लेकिन इस केस में 2 इंटीजर स्टोर कराना पॉसिबल है क्योंकि आपका टोटल बाइट्स कितने 4 बाइट्स, एक सिंगल इंटीजर 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट्स में फाइनली आपके लिए 2 इंटीजर्स मैनेज करना पॉसिबल। फर्स्ट टाइम इस प्लेस P0 में जब 10 आसान किया फर्स्ट प्लेस पर आसान किया हो जाए 10, इसे परफॉर्म कैसे हुआ जस्ट मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड प्लेस पर जस्ट स्टोर किया हो जाए 20, मीन्स सेम केस में 2 इंटीजर्स भी मैनेज करना पॉसिबल है। इस मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बेस्ट केस क्या है, मीन्स डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज मोर एफिशियंट कंपेयर टू स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मीन्स एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंट कौन है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। जबकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कैसा है, लेस इफिशियंट कंपेयर टू डायनामिक। वन मोर थिंग्स, अगर फास्टेस्ट मीन्स अगर प्रोसेस वाइज बात करें, स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देन इसके साथ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कैसा मोर फास्टर कंपेयर टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। रीजन, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में एलोकेशन से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कंपाइल टाइम पर फिक्स हो जाते हैं, रन टाइम पर डायरेक्टली एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म होता है। जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में साइज इंफॉर्मेशन भी रन टाइम पर डिसाइड हो रहा है और एलोकेशन भी रन टाइम पर डिसाइड हो रहा है, तो इसके इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के इसमें एक्स्ट्रा यूटिलिटीज कौन से परफॉर्म है, जस्ट एलोकेशन साइज। इसे एलोकेशन साइज डिसाइड हुआ से रिलेटेड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रोसेस इंप्लीमेंट होंगे जिसके रिगार्डिंग रिक्वायर्ड किया हुआ सम एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन टाइम, इट मे टेक्स अ बिट एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन टाइम कंपेयर टू स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्लियर। वन मोर थिंग, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में साइज इंफॉर्मेशन फिक्स्ड होता है, मींस इसका मतलब क्या है, मींस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू कभी डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना है इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं, लाइक लिंक लिस्ट ग्राफ ट्री लाइक दैट। जबकि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए बेस्ट सूटेबल टाइप क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इट इज बेस्ट सूटेबल फॉर इंप्लीमेंटिंग डेटा स्ट्रक्चर और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। इस टाइप से डायनेमिक मेमोरी और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में कई सारे डिफरेंस है। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस मिस मैच, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो अदर डिफरेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में मैंने सिंपली राइट डाउन किया इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10, इसे एग्जाम्पल इसका जस्ट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का, तो इस केस में 2 बाइट का कोई लोकेशन होगा 100+101 लाइक दैट। इस प्लेस को लॉजिकली नेम असाइन हो जाएगा एक्स प्लस इसका बेस एड्रेस 100 है, इसलिए इसका अदर नेम क्या हुआ स्टार 100 इज नथिंग बट दिस इज सम पॉइंटर लोकेशन। क्लियर। वैल्यू क्या इस केस में 10। फाइनली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की केस में रिजर्व्ड प्लेस का वैल्यू या मैनिपुलेट करने के या एक्सेस करने के टोटल अप्रोच कितने, 2 अप्रोच, यूजिंग वेरिएबल नेम यूजिंग वेरिएबल एड्रेस, वेरिएबल एड्रेस इज नथिंग बट सिंपली बाय यूजिंग पॉइंटर्स। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस मैंने आपको बताया था मैलॉक में से एलोकेशन किसके थ्रू करा हुए, मैलॉक और कैलॉक के थ्रू। जस्ट अगर आपको 2 बाइट्स रिक्वायर्ड, फर्स्ट केस में कितने बाइट्स एलोकेट हुए 2, इस केस में कितने बाइट्स एलोकेट हुए जस्ट 2 बाइट्स,
इसके इसमें आपके लिए क्लियरली बताना पॉसिबल है रिजर्व्ड प्लेस का जस्ट लॉजिकल नेम क्या क्रिएट होगा जस्ट एक्स, लेकिन इसके इसमें बताना पॉसिबल इसके इसमें रिजर्व्ड प्लेस का जस्ट लॉजिकल नेम क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। मीन्स मोस्ट इंपोर्टेंट बिगेस्ट डिफरेंस, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में कभी भी रिजर्व्ड प्लेस का कोई नेम या लॉजिकल नेम क्रिएट नहीं होता है। इस इसके साथ सिंपली 2 बाइट का कोई ब्लॉक हो, ये ब्लॉक रिजर्व तो हो जाएगा। क्लियर, समथिंग एड्रेस इज 100 and 101, इससे रिलेटेड जस्ट मैनेज क्या हुआ हैश टेबल। हैश टेबल के अंदर 2 कॉलम्स होते हैं, बेस एड्रेस एंड साइज ऑफ द ब्लॉक। तो इसके इसमें बेस एड्रेस क्या है जस्ट इस ब्लॉक का 100, साइज क्या है 2। तो इसके इसमें जस्ट एलोकेशन के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का इन्फॉर्मेशन हैश टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। प्लस लॉजिकली वो लोकेशन कंसिडर कैसा हुआ एज आर रिजर्व्ड, लेकिन इस केस में अभी भी रिजर्व्ड लोकेशन का कोई नेम क्रिएट हुआ है क्या नहीं, लेकिन इसका एड्रेस अवेलेबल एड्रेस क्या है 100। तो इसको एक्सेस करने का ओनली एक ही अप्रोच ओनली बाई यूजिंग मेमोरी एड्रेस। मीन्स इस एड्रेस को रिटर्न कौन करेगा मैलॉक, जिसको किसी पॉइंटर में असाइन करा के पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करना पॉसिबल। इस केस में पॉइंटर के थ्रू इसका नेम क्या हो जाएगा स्टार पी। इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्लेस और रिजर्व्ड प्लेस एक्सेस करना पॉसिबल होगा ओनली बाई यूजिंग पॉइंटर, जबकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन केस में एक्सेस करने के 2 अप्रोच हैं, यूजिंग वेरिएबल नेम यूजिंग वेरिएबल एड्रेस। मीन्स स्पेशली आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कभी भी कोई वेरिएबल नेम्स क्रिएट नहीं होता। क्लियर,